शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन श्री गुरु गोरखनाथ मंदिर में परंपरागत रूप से गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ महाराज ने वैदिक मंत्रों के बीच मंदिर स्थित शक्तिपीठ में कलश स्थापना किया। महंत योगी आदित्यनाथ के कलश स्थापना के पहले मठ के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ के नेतृत्व में शंख घंट घड़ियाल एवं नागफनी वाद्य यंत्र के साथ शोभा यात्रा निकाली गई, जो भीम सरोवर की परिक्रमा के साथ सरोवर से कलश में जल भरकर शक्तिपीठ में पहुंचे, जहां गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ ने कलश स्थापना किया। महंत योगी आदित्यनाथ ने नवरात्रि के प्रतिपदा के दिन मां शैलपुत्री की पूजा की। पूजा में गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने सभी देव विग्रहों का षोडशोपचार पूजन के साथ श्री दुर्गा सप्तशती एवं देवी पुराण का पाठ मठ पुरोहित पंडित रामानुज त्रिपाठी के नेतृत्व में 11 पंडितों द्वारा संपन्न हुआ। तत्पश्चात आरती संपन्न हुई। आरती के पश्चात प्रसाद वितरित किया गया। इस दौरान द्वारिका तिवारी, डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी, डॉक्टर रोहित मिश्र, पुरुषोत्तम चौबे, अरुणेश शाही, दुर्गेश बजाज, ब्रजेश मणि मिश्र, बाल वैज्ञानिक राहुल सिंह, मीडिया प्रभारी विनय कुमार गौतम सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। सभी कार्यक्रम का आयोजन COVID-19 को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सम्पन्न कराया गया। सत्यनारायण